Hey guys, welcome back to my channel. I am Neha and मैं आप लोग के साथ आज शेयर करने वाली हूँ उड़द दाल की जो बड़ी होती है वो. आज मैं वो बनाने वाली हूँ. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पैन में तेल गर्म कर लिया. उसके बाद मैंने जो बड़ी को फ्राई कर लिया. आप चाहें तो कोई भी बड़ी जो घर में मम्मी लोग बनाते हैं आप उसे यूज कर सकते हैं. उसके बाद मैंने इसे हल्का सुनहरा होने तक के फ्राई कर लिया. ये जैसे ही हो गया, ये देखो बनकर रेडी हो गया, और इसे हम अलग से प्लेट में रख लेंगे. उसके बाद मैंने दूसरी ओर यहाँ पे फिर से तेल गर्म किया. उसमें थोड़ा सा तेल ऐड किया था, वो पहले से बचा हुआ था. तो उसके बाद इसमें डाल देंगे हम प्याज. प्याज को अच्छी तरीके से होने देंगे. हल्का सुनहरा होने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर. बस टमाटर ऐड करना है. यहाँ पर मैंने लिया है 2-3 टमाटर, मैंने ऐसे ही ले लिया. उसके बाद इसको होने देंगे. आप अपने स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक ऐड कर दो, मिर्च पाउडर ऐड कर दो, धनिया पाउडर ऐड कर दो और हल्दी पाउडर ऐड कर दो. और अगर मसाले यूज़ करते हैं आप लोग तो आप उसमें ये भी डाल सकते हैं. उसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से होने देंगे. सो गाइस, इसके बाद मसाले अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे बड़ी जो हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था. उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे. यहाँ पे पानी मैंने चावल का पानी यूज़ किया है. मतलब हम लोग चावल जो साफ करते हैं, धोते हैं चावल बनाने के टाइम, उसमें का जो लास्ट वाला पानी होता है हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा. तो ये बनकर रेडी हो गया है और सो गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू.